आदरणीय दर्शक वृंद, राम राम। मैं नंदलाल राणा और तुम देख रहे हो RanaTharu.com। RanaTharu.com राणा थारू समुदाय से जुड़ी हुई विभिन्न रीति संस्कृति, चाल चलन और भाषा संस्कृति के उजागर करत आ रहो है। और जे क्रम में आज हम एक छुट्टे विषय वस्तु में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभय जनगणना के विषय में हम उत्थान करने जा रहे हैं। हरेक 10 वर्ष में राज्य अपन देश को अवस्था के बारे में जानकारी देन के तहनी जनगणना करत है। जहे क्रम में नेपाल में फिर जनगणना हो जा रहो है। राष्ट्रीय जनगणना जहे बैसाख 25 गते से अषाढ़ 8 गते के भीतर जनगणना हो जा रहो है। नेपाल में 131 भाषा बोलने वाले भाषा भाषी के लोग हैं और राणा थारू लगायत 60 जात के आदिवासी जनजाति के लोग बैठत आ रहे हैं। नेपाल में सुदूरपश्चिम प्रदेश के कैलाली और कंचनपुर जिला में इकल्लो बैठन वालो राणा थारू जात है। नेपाल सरकार 2076 माघ 20 गते निर्णय से राणा थारू जाति के थारू जाति से अलग राणा थारू जाति सूची में सूचीकृत करी है। कहे से राष्ट्रीय जनगणना में राणा थारू जाति कैसे कहिलो तो प्रभावकारी अलग करामय जनगणना के रूप में गणना हो जाए रहो है। पहल करण कोशिश करत आए रहो है। जा राष्ट्रीय जनगणना में हमर गांव में गणक और सुपरिवेक्षक लोग आमंगे। वे हमसे कैसो प्रश्न करेंगे और हमके कैसो उत्तर देन के है। जे सब बात के बारे में जानकारी देन उद्देश्य हम लाए पड़े हैं। जनगणना के बहुत से प्रश्न साझा होमंगे, पर कुछ प्रश्न जात अनुसार फर्क होमंगे। जैसे कि राणा थारू के हक में तुम कौन जात के हो, तुम्हार भाषा कैसो है और तुम्हार धर्म का है, तो हम का कहा मंगे जा के बारे में हमार गांव घर में बैठने वाले दादा भैया दीदी बहनियाँ कैसे करके उत्तर दे मंगे। ये सब प्रश्न समेट के हमार RanaTharu.com की टीम कैलाली और कंचनपुर जिला में बैठत आए रहे राणा थारू की बस्ती में जाके उनसे बातचीत करे हैं। जा बातचीत को वीडियो अंत तक देख दियो और सलाह सुझाव के तहनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो कह के अनुरोध करता है। अभी तहनी देखो जा वीडियो। राम राम। अपन नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम घुमन राणा, ठेगाना पुनर्वास नगर पालिका, वार्ड नंबर 1। गांव सर? गांव पुरैना। पुरैना गणेश बस्ती के। हजुर सर, जा मतलब तुम जा मंदिर के काम? मंदिर को मैं कोषा दक्ष। मंदिर को हजुर मंदिर समिति कोषा दक्ष। कोषा दक्ष सर, अभय अपन को एक वर्ष पहले राणा थारू जाति एक वर्ष पहले अपन को सूची कर रहा है, वो सूचीकृत के बारे में तुम्हें पता है कि नहीं है? अब खासे तो पता तो ना है सर, अब तो सुनो रहा हूँ सूचीकृत भाव करके पता रहे। कौन सी जाति में सूचीकृत भाव करके पता? राणा थारू का है। राणा थारू जाति में है सर, सूचीकृत भाव है करके। हजुर ले जा सर, बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा। इसी करके अपन को जा नेपाल सरकार 2078 को प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना करा था देश को। इसी करके अपन को 2078 साल में जनगणना हो जा रहा है अपन को पूरे देश को। जेहे दौरान में अपन के घर घर में गणक लोग आमंगे, रब गणक लोग आए के आप से प्रश्न करेंगे कि तुम कौन जात के हो, तुम का बताओ सर? अब सर मैं तो खासे तो इतिहास संबंधित ना जानता हूँ, तभी मेरे अनुभव में अब जब से मैं जन्मो तब से कहा था राणा थारू करके कहा था। अब ये राणा थारू करके मुझे अनुभव है सर। भाषा सर कौन सा भाषा? मैं तो स्पेशल राणा थारू हजुर। इसी करके आप उनको धर्म सर? धर्म तो लगभग हिंदू मानते सर, हम हाँ परंपरागत बुढ़ा सब हिंदू धर्म मान्यता है। हम जन्मे भी हिंदू संस्कार के अंतर्गत के हैं, अभी भी हम हिंदू मान रहे हैं सर। एक थरी और अपन के का कह रहे हो कि मतलब हिंदू धर्म में आप उनको हिंदू धर्म कहानी से मूर्ति पूजा करते हैं हजुर,
मूर्ति पूजा पूजत हैं, तो अपन को धर्म में ऐसा कोई मूर्ति पूजा ना पूजा जाता है। जैसे कि अपन को प्रकृति पूजा करते हैं तो अपन, यानी कि अपन अब तुम्हार भुइया में जाते हैं तो अपन को यानी कि उस भुइया को भुइया पूजा करते हैं, रूखा के तरह जाके पूजा करते हैं अपन। और वैसे करके अपन मतलब यानी कि अग्यारी वग्यारी जैसे सब अपन बाहर से बाहर पूजा करते हैं, तो अपन को धर्म हिंदू करके कैसे कहा है वो मान्यता, हिंदू होकर कैसे कहा मान्यता है? अब हिंदू का जब जैसे मैं अपने को छोटो संस्कार बताता हूँ सर, जैसे मेरे बुड्ढा कहते हैं हम पार्वती के पूजत हैं, मेरे भुइया माता है और घर को मेरे ऐतिहासिक मेरुबा है देवता पार्वती, तो पार्वती कहने से हम एक हिंदू अंतर्गत पड़ जाता है। जैसे देवता कहने से मेरे पार्वती है, तब जय मारे मैं कहता हूँ जय मारे मैं सकबर लगता है मैं हिंदू हूँ जैसे लग रहा है। तो मेरा खून कहाँ है सर? खून तो मेरे खूंट खूंट तो सर कुरी कहा था अपन। कुरी अब राना कहा था, पता नहीं कहा है पता नहीं। हाँ अब इतना तो छनौट तो अपन कर ही ना रहे हैं सर, मेरे बूझे अनुसार से अपन कोई भी राना कह देते हैं, लेकिन राना के अंतर्गत में जैसे आप पहाड़ी तमान बिचारे कहते हैं कि एक और बात करें, कुरी और जात में क्या फर्क है? अब कुरी और जात में साथ जात अब थोड़ी बहुत धर्म संस्कार है अंतर्गत जैसे पड़ जाते जैसे लग रहा है। उदाहरण तो आई अब जैसे अब जात तो अपन जाते है, अब कहने के से अपन रगत सबको एक ही बराबर है, लेकिन एक जगह है कि भिन्नता भेद छुटाई देता है कि एक जगह को जैसे लिंग कहने से एक महिला एक पुरुष जो छुटे आता है वह आधार में जो हम लोग एक तुमरो जा रीत जैसे जो क्या कहते हैं थर जैसे छुटिया देते है मेरे अनुभव में। कैसे सर? जो प्रश्न पर आते प्रश्न कहने से कहा है कि जैसे अब रानों के एक पहचान जैसे कह देते हैं राना अथवा पहाड़ी अथवा तुम्हारे चौधरी कहने से बको रानागिरी का मानोगे सर? रानागिरी गिरी है सर, रानागिरी कहने से मेरे अनुभव में तो पूरी मानो जाए। अब वो जात हम सब बहे एक है, मतलब कुरी थोड़े अलग पहचान जैसे होगा बको मेरे अनुभव में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, हाँ सर धन्यवाद देते हैं और अब थैंक यू सर। हेलो राम राम राना सर वोटकम में स्वागत और राम 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 सर। अपन नाम और गांव नाम बता दीजिए। मेरा नाम कहे से सीताराम राणा थारू और ठाव निवास नगर पालिका 5 में। कस्टमर नाम श्री राम राणा गांव पालिका वार्ड नंबर 1 बिटवा लाल झाड़ी। सर अब हमें कहा है कि जैसे कि हमर राणा थारू जाति भरकर सूचीकृत भाव है करके पता है नहीं? जब पता है यानी कौन सी जाति में अपन के सूचीकृत भाव है? राणा थारू जाति में पता है कि नहीं? राणा थारू जाति में अब सर हमर का होते कि जा जाति सूचीकृत अब हमर का है कि जा प्रत्येक 10 वर्ष में राज्य जनगणना लेते हैं जनगणना करत है, तो वो जनगणना के दौरान में अब फिर 2078 में फिर जनगणना होने जा रहा है, तो तभी के मारे अब गणक के रूप में यानी कि कर्मचारी के भरना कर रहा है। अब जेठ 25 से आषाढ़ 8 गते के भीतर में हमारे जनगणना के कार्यक्रम शुरू हुई है और अब वो जनगणना करनता नहीं गणक लोग हमारे घर घर में आवेंगे, वे पूछेंगे कि तुम्हार नाव का है, तुम्हार जात का है, यानी तुम कौन सा धर्म मानते हो, जिस बारे में पूछे हैं तो तुम अपन यानी कि अपन जात का बताए। अपन जात के बारे में तो राणा थारू ही कहन डर लागत है मैं तो। हाँ वैसे तो राणा थारू हैं तरफ पहले के समझो कि जो है कहन करो कि अपनों जाति वो लोप हो के जैसे कि हम बट्ठा हैं करके बट्ठा भाव बेरकिया भाव कौन कौन जात के रहें अब सीधे राणा थारू करके। तुम कौन तुम्हारे खास करके पहले से कौन जात के रहो? हम बट्ठा रहे। बट्ठा है? हाँ तुम बट्ठा रहो है? बट्ठा रहे। नहीं सर अब तुमसे थोड़ी ना बात कहा करने की, जैसे तुम्हारे नाव श्री राम बट्ठा तुम्हारे नाव पड़ी गो। हाँ और नाव तो तुम्हारे श्री राम बट्ठा पड़ी गो। हाँ तुम जात कहा करके पूछे तो तुम कहा बताए हो? तो जात तो अब बेहतर जात कहा तो वो जैसे कि बट्ठा अब तक जात अब सीधे राणा थारू करके सब राम थारू करके हैं। चलो ठीक है सर अब अपन के जैसे कि भाषा के बारे में कुछ मतलब तुम्हारे भाषा कौन भाषा मत कथा करके राणा थारू भाषा तुम्हारा गाँव घर में सब राणा थारू। जैसे कि हम बाहर गए हम नेपालम गए नेपाली भाषा है और समझो कि इंडिया गए हिंदी भाषा है।
अब सर अपन के जो यानी कि अब बुक के बारे में भाषा और अपन के जात के बारे में, अब अपन के कहा कि धर्म के बारे में, धर्म के बारे में पूछे तो तुम कौन सा धर्म बताए? मैं अपनी दौर से अपनी दौरान से मैं कहता हूँ प्राय करके हम थरुआ पहले से हिंदू धर्म मान तो आए हैं और अब कितने आदमी थोड़े धर्म छोड़ के और थोड़े धर्म में चले गए हैं, लेकिन खास करके हिंदू धर्म में ज़्यादा हिंदू धर्म के आपन के मानत हैं कैसे? मैं हिंदू धर्म हो करके तो आपन के धर्म में है, अपन के धर्म में हिंदू धर्म को तो हिंदू धर्म में तो मूर्ति पूजा करते हैं, कैसे मूर्ति होता है राम की शिव की है मतलब पार्वती की, तो ऐसा का है सर अपन में जा अपन को पुरखैती चलता हो जैसे लागत है, मैं तब जा के बारे में तो अनुभव ना है मतलब अपन हिंदू कहा था तो हिंदू कहा से का मानो जाता है मूर्ति पूजा है तो उनसे अपन हिंदू धर्म को मानो जाता है, अब कोई मस्जिद में जाता है तो मूर्ति ना पूजा तो उनसे अपन मुसलमान कही है, वैसी करके अपन के जो अब क्रिश्चियन वाले बेचारे मतलब यीशु के मानत है तो उनसे वो कही दे, तो अपन को हिंदू धर्म मानन को का है अपन वैसे करके अपन हिंदू धर्म कही दे जो कि अपन के अब हिंदू मानते यानी कि हिंदू धर्म तो अपन की कहा होती कि अपन को तो अषाढ़ी में अपन करते हैं तो अपन को अषाढ़ी में तो अपन यानी कि बैठ के अथवा कोई भुइया में जाते हैं पूजत हैं अपन ब्याह बरात में फिर अपन को बेहे हो तो होता है तो हूँ तो अपन को मूर्ति पूजा के हिसाब से अपन को तो कहूँ नहीं है अपन कोई कभी फोटो ना पूजत हैं अपन नहीं अपन हनुमान की फोटो पूजत हैं तो अपन कैसे करके हिंदू माने तो देह के बारे में तो मैं तो खास है जग के बारे में तो बहुत बात है जैसे कि अब हम लोग पिता पुरखा जो रहे पहले जैसे कि घर के अब इतना समझो कि मिट्टी को देवता बना देवता धरो है हम बहक मान चले है पिता पुरखा मानी, जैसे कि मठ मंदिर में गए वहाँ मूर्ति होता है बाके पूजत हैं, जैसे कोई हरिद्वार गाँव कोई स्थान पर जैसे मैं गाँव तब वो समझो कि मूर्ति के पूजत हैं, जैसे कि हरिद्वार गए जैसे कि मनसा देवी है चंडी देवी उनकी मूर्ति है तो हुआ पूजा का यहाँ जैसे कि महादेव के नाता से एक पत्थर धर ले वो महादेव करके माना हाँ ऐसे करके पिता पुरखा अनुसार से समझो कि यह हिंदू में चले जाओ। एक और अपन कुछ मने मतलब अपन तो प्रकृति पुजारी हैं रे, अपन को अपन प्रकृति के पूजक हैं मगर यही देव हैं पूजा करते हैं तो वो तो अपन को प्रकृति है ना, तो अपन तो प्रकृति पुजारी हैं करके कहा था जमे कित तो तुम्हारे कहा कैसे लागत जमे में तो जा ऐसा लागत है जैसे कि जा एक अपन को गांव मान लो हैं तो गांव में अपन मेन मानते हैं भुइया की तो भुइया कहे से नगरिया ही भाई तो वो प्रत्येक घर के समेट लाइए प्रत्येक व्यक्ति जब गाँव में जो है सबके सिम तो भाव एक देवता मानो गो तो वह देवता को मानते हैं मेरी अपनी सोच तुम्हारा ही कहा जब सर हमरे जैसे कि वहाँ वे ठीक कहीं हैं जैसे कि जाता है गांव को देवता हैं और कोई घर के अब पूजे देख हैं कोई अपनो कोला वो भीतर पूजे था हैं जैसे अपन गांव में राणा थार में कोई कोला हो तो वो भीतर पूजे जैसे कि दीवारी भाई तो और लक्ष्मी पूजा के समझो तो भीतर पूजे पूज दे लक्ष्मी पूजा जै ये किस्म जो हिंदू को जो सत्कार चलो आओ है अब अब्बा में जो है अब जैसे कि अब छूट गए मियाँ बीबी छूट गई वो क्रिश्चियन रही गो मैं हिंदू एकदम बढ़िया बात है तो वो अब वो पूजन ना दे और हिंदू है पूजन अपन को जब थोड़ी कहना तुमसे और क्लियर होना चाहता हूँ कहीं कि हमें क्लियर होना जरूरी है कि हमें मतलब धर्म में कौन धर्म लिखे हैं वो कहते हैं हमें क्लियर होना जरूरी है ना, जब जैसे कि हिंदू धर्म में फिर और जैसे कि मान के चलते हैं तुम्हारे अपन भेंट उठाते हैं हिंदू धर्म में अपन मतलब प्रसाद के रूप में कहे हैं तो मीठा मिष्ठान होता है मिष्ठान होता है तो अपन के कहा होता है लौंग लौंग आदि इत्यादि चलते हैं अपन के है अब तो लौंग चलन लगो पहले तो अपन के लौंग मान के अपन यानी कि का कहते हैं कोरेलक पत्ता को डांट बन जाते तो वो हिंदू तुम इतना से लोग ऐसा है तो जैसे कि जाके बारे में मैं अपनी बुझाई कहता हूँ जो ठाव 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 अनुसार को पूजा होता है जैसे कि जो पहाड़ी जो हैं हैं तो पूर्व पहाड़ी बेहू हिंदू मानते हैं पश्चिम पहाड़ी बेहू हिंदू मानते हैं तो उनको पूजाई उनकी कराई में भी फर्क है
पश्चिमी पहाड़ी के और पूर्वी पहाड़ी के अगर तुम लो तो उन्हों के देवता को हिसाब में उन्हों की चालचलन के हिसाब में आखिर बेहू हिंदू है बेहू हिंदू है कि ना, तो उन्हों तो फर्क है काहे को तो ठाव अनुसार है तो है ना हिंदू के भीतर अपन अपन के कईयो मतलब अपनों अपनों पूजन तरह है ना हाँ हाँ अपनों अपनों हिसाब को है। चलो महत्वपूर्ण जानकारी दे संगे ना और यानी कि अब संगे अपन आई हैं लेकिन और मैं क्लियर करता हूँ फिर हमारे जात के बारे में मतलब हमारे सिर्फ राना साहब के जात जात और कुरी कहा था ना जात और कुरी का है जमीन फर्क जात और कुरी में फर्क का है एक ही चीज है कि फर्क फर्क है कुरी कहने वालों जात है अथवा जात यानी जात और कुरी एक है कि जे बारे में तुम्हारा कहीं कहा है जाके बारे में तो सुना है फर्क तुम्हें हाँ अब कुरी तो जैसे कि एक किस्म से मैं बताओ जैसे कि बट्ठा है हम बट्ठा हैं तब एक किस्म से कुरी है बट्ठा कोई गरितिया हो गयो है कोई कुछ हो गयो कोई गिरी कोई गिरी जैसे कि मटहैयम है हम तो राना है वो पर वो अभय तक ना छोड़ी वो गिरी लिखाई रहो गिरी है अब राना गिरी राना गिरी हुई है अब जा मैं तो मैं ना कह सकता हूँ कितनी है अब पिता पुरखा जो पहले बताते हाँ मैं तो यह बिरेतिया भाव और बट्ठा भा कपठा बट्ठा भाव है गिरी भाव और तो अब काका है ये तो अपन की कुरी मानी ये कुरी मानी कुरी मानी गई जात कहाँ से अपन को राना राना था अपन को स्पेशल जात माना सर जब महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हो जब इतनी बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी के तहत तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अगर कहने अपन छोटा था लो राम राम और जाके बारे में तुम हमें मस्कन मौका दे जाके बारे में सब के तुम्हें धन्यवाद बताई देवो बसंती राणा बड़ा है घने गाँव परासन गाँव अब जहाँ राणा थारू जाति आप उनको भरकर सूचीकृत हुआ है जब सूचीकृत के बारे में तुम्हें कुछ पता है कि नहीं है पता है नहीं अब तक आप कौन सी जात में रहे वो पता ना हुए तो कि है पता पढ़ाई लिखाई कितों तक पुगी रहता हूँ कहाँ तक करे रहा पाँच छः पढ़े रहो पाँच छः क्लास पढ़े तो पता होना चाहिए कि हम कौन जात के रहे पता है नहीं है नहीं राणा जात के रहे करके पहले से है चलो अपन राणा जात के पहले से रहे हैं आपकी सूचीकृत भाई राणा जाति के लोग सूचीकृत नहीं है अपन राणा थारू जात में सूचीकृत भए हैं अब अपन के घर घर में गड़क आए हैं राष्ट्रीय जनगणना में 10 वर्ष में जब गड़क यानी कि जनगणना करते सरकार तो वो जनगणना करता है प्रत्येक घर आमंगे अपन के रहा अपन से पूछेंगे तो पूछें का कि तुम कौन जात के हो तो तुम कहाँ बता के हो राणा यानी तुम्हारा धर्म का है हिंदू धर्म कौन सा भाषा मस्कत हो राणा भाषा मस्कत हो जे बताए हो ने ले जाके ताहे तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता और भक्ता ने अपन छोटा था ले राम राम सर तुम्हें राणा से डॉक्टर में स्वागत है राम राम अपन नाम बता दे मैं या प्रमुख नंबर पर लिया मेरे सिमिल गांव को भर मन का बड़ा नंबर 5 नाम मेरे राधे श्याम राणा राधे श्याम राणा गांव भर मन से आओ हां हमर राणा थारू जाति भरकर सूची के तरह एक बारे में सब पता है जैसे पहले भी अपन अब जात राणा थरुए रहे लेकिन सूचीकृत ना रहे लेकिन तो अपन नेपाल की कानपुर गिनती भी ना रहे जनगणना होने जा रहा है 2078 साल को जनगणना तुम्हारे जेट 25 से 8 तक भीतर में जनगणना होने जा रहा है तब वो जनगणना के दौरान में अपन के घर घर में गणक आमंगे गणक लोग आगमन घर घर में वो गणक तो तुम्हारा अपन के अब राणा भाषी फिर हो सकत हैं राणा बोलने वाले फिर हो सकत हैं अरे गैर राणा थारू फिर हो सकत हैं अरे हिना के ऐसे फिर मन ही सोच सकत हैं कि मतलब वो हिना के बारे में कुछ जाना तो ना है फिर भी वो मतलब यानी कि गणक में पड़ी गो अगर ऐसे मन अपन के हिना पर आमंगे अरे अपन से पूछेंगे तुम कौन जाते हो तो का कहें जैसे हम दे आम राणा थरुए हैं करके हम राणा थरुआ करके और यानी थरुआ के लोग राणा थारू करके
अब ऐसी करके फिर तुम्हारे है तुम्हारे अब राणा थारू जात है भाषा कौन सो है तो तुम्हारे तो हमारे भाषा ही जो है राणा थारुए राणा थारुए भाषा है रस संग संगे अपन की अब भाषो अपन के राणा थारू है तो कहे तुम्हारा अपन के धर्म के बारे में पूछे तो क्या कहे अब मैं तो जो है कि पहले हम तो आदे दादे सब कहीं के हिंदुओं से आए हैं हम हिंदू हैं हिंदू धर्म और आजकल तो बहुत छूट भी गए हैं बहुत से बीच बीच में जैसे क्रिश्चियन लोग बहुत से आदमी हो जाते हैं जब कृषि नहीं कहान बड़ो अपन धर्म से थोड़ी हिंदू से बात है अब तुम्हारा सर भलमनसा के नाता से तुम्हारा आम मतलब जो पब्लिक है अपन के राणा थारू वो पॉपुलेशन से मतलब वासी से तुम क्या कह सकते हो क्या तुम्हारा मतलब कहा है मैं तो अब हिंदू हैं आज परदादे कानपुर हमारे कईयों पुस्ता हमारे जहे में हिंदू में कट गए तो हम कहा तो क्रिश्चियन में कहे गए हम हिंदू में कहा हमारे यहाँ मेरे तैयारी कर रहे हैं चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही खुशी लगी है रजेश खुशी के दौरान अब हमें कहा है कि हमारे राणा थारू जाति भरकर सुशिकित हुई को है सुशिकित भाव एक वर्ष लगभग भाव तुम्हें जाके बारे में पता है कि हाँ पता है क्या जानकारी दीजिए के बारे में अब किसी के भाव तो फिर बहुत मतलब खुशी है राणा समाज के आदमी किसी के तो भाई तो कौन जाती किसी के तो भाई आप मतलब जो कुछ लोग पता ना है तो कौन जात में आप किसी के तो भाई ना पता है नहीं पहले का कौन सी जात में रहे पहले आपन के आदिवासी कह करके जानते हैं आदिवासी तो आप के लगभग आदिवासी तो आप उठा के जात में आप हैं तो आदिवासी जब मैं आदिवासी हूं वो में फिर अपन कौन सी जात में राणा में रहें है चलो अभी संग संगे अपन पहले के रूप में कहें तो अपन पहले अपन उनका की जात रहें पहले अपन की वो में अपन रहें थारू जात में अपन सूचीकृत रहें पहले अपन थारू जात में सूचीकृत रहें सब है राणा बेहू थारू कट जाए बेहू थारू बहुत हिसाब से अपन थारू जात में सूचीकृत रहें और अब फिर अपन की सूचीकृत कटारी है तो वो सूचीकृत अपन राणा थारू में भय हैं अब खुशी की बात का है कि जहाँ 2078 साल को जनगणना होने जा रहा है राज्य प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना लेता है मतलब तथ्यांक संकलन करता है और अब 2078 में जनगणना लेने की तैयारी में है सरकार तो वो जनगणना लेन के थी यानी कि गड़क लोग अपन घर घर में आवेंगे और भी गड़क लोग अपन से पूछेंगे कि तुम्हार कौन जात के मनई हो तो तुम क्या बताइए अब विशेष करके राणा है उसे छात्र है नाथ है मतलब सब राणा में फिर बहुत जात होता है हाँ, बहुत जात मतलब गिरी होता है कोई नाथ होता है तो तुम क्या बताए हम तो हमार उनका पुरखौली दादू तो कह कर रहा है मतलब हम ठाकुर में पढ़ते हैं करके तो तुम भेज मेरे को क्या बताए हो ठाकुर बताए हो कि राणा बताए हो कि अब अथवा क्या बताए हो विशेष करके तब राणा है राणा बताए हो जात अपन राणा बताए हो राणा में राणा मगर तो अपन कैसी करके राणा मगरऊ है तो कैसे करके तुम वो होकर तो कैसे दूसरे मन जैसे कि मैं जैसे कि अपन के गढ़क लेने वाले थे वो तो ना ही अपन के थरुआ भाषी वाले तो ना हुई हैं त्रिमणि थरुआ से कहते जैसे कि गैर थारू किता ऐसा करता है तब वो पूछे बुक तो पता नहीं है हिन्न के बारे में स्थिति के बारे में तब वो तो राणा का हिंसा तब वो तो लिख दे है तो अपन तो दूसरे में चले गए अपन को जो लेन वालों तथ्यांक बुक ना आए एक मारे अरे बुक अपन के जो भाषा है भाषा में क्या बताए कौन सी भाषा मस्त था क्या कहें भाषा मतलब मातृभाषा का अंतर है मातृभाषा ऐसा कौन सी मातृभाषा मातृभाषा तो निरोग है अपन अपन जात के अपन अपन भाषा है तो अपन कौन सी भाषा राणा थारू मातृभाषा करते अपन राणा थारू है अनि बुक बात में अपन के अब जय है धर्म में धर्म में क्या कहें आप खाली धर्म में तो वो हिंदू है हिंदू करके अपन कहें तो बढ़िया रहे है
चलो जिस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे दे हो रहा की ऐसी करके आपने क्या कहा है कि यानी कि जो अपन के जो बेचारे जो हरू दादा भैया हैं उनको पता नहीं है कि मैं कहाँ कहीं हूँ आन वालो गणस नहीं मैं कहाँ कहीं हूँ उनके पता नहीं है। तो मेरे सभी से अनुरोध का है कि जात के बारे में राणा थारू जात है मैं कहान है कौन जात है राणा थारू। हालांकि मैं कोई भी मेरे यानी कि मैं कोई भी मतलब मेरी कुरी कोई भी कुरी हुई है जैसे कि मेरी कुरी मैं बड़ा फिर हो सकता हूँ कोई अपने के बट्ठा हो सकता है कोई अपने के मतलब और फिर हो सकता है तो नाव तो मेरे यानी कि फलानो है करके फलानो बड़ा है करके कह दे हूँ पर मेरे फलानो बड़ा है करके तो सूचीकृत नहीं है होना पर सूचीकृत अपन को राणा है राणा थारू करके सूचीकृत राणा ही के लोग नहीं है राणा थारू सूचीकृत है सही में राणा थारू कहें तभी मतलब अपन वोट ठाव में जा पाए हैं और न तो अपन कह दें तो वो मनी जहाँ जैसे गड़क वालों मनी जहाँ पे हुनी धर दे है अपन को नाव तो अपन को तो फेंकना आए कहीं के बारे में सभी से अनुरोध है अपन की देह कहान पढ़ो राणा थारू भाषा में राणा थारू और धर्म में अपन को हिंदू गए हैं तो बढ़िया रहे जा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे हो जा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के ताने तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अगर ताने अपन थोड़ा राम 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 तुम्हें हिंदू धर्म मिन्ना राम दुलारी राणा गांव चाहे ढक्का और राणा थारू डॉट कॉम में स्वागत है तुम्हें अपन नाम जयंती राणा और ठेगाना ढक्का अपन नाम बता दियो मेरा नाम लीला राणा है ढक्का ठेगाना पढ़ते हुई हो तुम हाँ 11 क्लास में हाँ सब ठीक है इसी तो तुम क्या काम करता हो तो? मैं काम तो कछु ना करता हूँ घर ये कछु घर ये लत्ता होता है इसी सिलाई कटाई थोड़ी थोड़ी घर को काम फिर संग संग सिलाई कटाई और तुम बता दियो तुम क्या करता हो मत कछु ना कर तो अब ऐसी करके मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि जा राणा भाषा सुस्वीकृत भौर है तो जब बारे में तुम्हें कछु पता है कि ना जग बारे में हम के ना पता है सुनी फिर ना हो कहूँ तो न्यूज उज ना देखे करता हो फेसबुक चलाता हो कि ना कछु ना चलाता टीवी भी कछु ना देखता हो ए और तुम मुख ना है पता तुम तो पढ़ते हो तुम्हें तो थोड़ी थोड़ी कछु पता होती है कछु नहीं है पता जात है इसी तो पहले तो राणा थारू कहत रहे तो वो वैसे तो राणा है लिखत है नहीं पहले राणा थारू कहत रहे तो राणा थारू काम तो हम जहे बात तब पूछ रहे हैं राणा ता राणा है यहाँ अपन तो राणा को जाए एक वर्ष तुम्हर हुई सूचीकृत भय तो जग बारे में कछु तुम्हें पता है कहे से हमें बता दो करके अब राणा ता राणा कहा था अब राणा थारू चौधरी फिर हो थन का तो पूछन के तो तुम का बता दे हाँ का बता राणा 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 बता अरे भाषा अपन कौन भाषा में सका फोकर के कहे तो का बताए राने भाषा और कहे कोई आएगा तो तुम धर्म का मानते हो पहले का धर्म मंत्र और हवे का धर्म मान पहले फिर हिंदू मंत्र अब हिंदू मानता हिंदू मंत्र है हिंदू मानता आए रहे हैं जही काम जनगणना जो
जनगणना के दौरान में अब मने अपन घर में आमन गड़क के रूप में आमन तुम्हार नाव का है तुम्हारे जात का है तो तुम का बताए राणा जात राणा राणा बताए जात राणा बताए अनि भाषा का बताए भाषा तो अपन है राणा को राणा को राणा भाषा बताए में सत्तो फिर जाके कितने धर्म कौन धर्म मानो। आदरणीय दर्शक वृंद, अभय हम जा धनगढ़ी उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 19 के लग्गा भगा गांव में आए पहुँचे हैं। रही पर हमारे तीन महिला हैं, उन महिलान से हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जा जनगणना के बारे में उनके हमें पूछते हैं, जनगणना के बारे में उनके कितना पता है? तुम्हारा नाम का है? सावित्री राणा। घाट में बैठे भुया घाट बैठन वाली भुया घाट का देवी राणा भुया घाट का। मैं जो तुम रहे वही बता रही ना, जनगणना के बारे में जो अपन को नेपाल में अपन राणा थारू भरकर अपन सूचीकृत भाई हैं करके तुम्हें पता है कि नहीं है? कुछ पता नहीं है। नहीं है पता? तुम्हें पता है कि ना सूचीकृत भाई करके पता है कि ना? वहां तो ना है पता है। तुम्हें पता है कि ना सूचीकृत भाई करके कोई पता ही नहीं है ना? कुछ मोबाइल है ना कहीं तो जाए ना पता है घर में बैठे रहा मैं अपन बैठा था ना उन से कोई पता नहीं है ने घर ही रहा था जाते ना बाहर। चलो जा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा। इसी करके हमारे का हुई है कि जैसे कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है देश को, वो जनगणना के तहनी अपन के घर में गड़क लोग आमंगे। अब तुम्हारी तो फिर आमंग घर घर रहे हैं अपन के यहाँ पर कहे कि जहाँ पर जनगणना के कारण से कितका मनी हिना पर बैठ रहे हैं वो तथ्यांक लेना होगी को तो बेतहनी हिना पर घर घर में मनी हैं वे अपन से पूछेंगे कि कहें तुम्हारे कौन सी जात है तो तुम का बताए? राणा जात है। राणा जात हम राणा जात राणा जात अनि तो तुम राणा बताए हैं जात राणा बताए हुआ है अनि भाषा वो कहे तुम कौन से भाषा मस्कत हो तो का बता दे हमर जे भाषा है थ्रू कौन से भाषा का भाषा मस्कत है अपन का कौन से भाषा थरुआ भाषा हां थरुआ भाषा मस्कत राणा कौन कौन भाषा बताए हो तुम राणा है के राणा भाषा मस्कत राणा भाषा है राणा भाषा में राणा है धर्म में कौन सा धर्म माना था पता ना मत धर्म का अपन का धर्म है कोई धर्म ना है कोई धर्म नहीं है हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन राणा जात अपने हां ना जात राणा हो तो धर्म तो अपन को ही है ना धर्म मान था कि ना कौन देवता कौन सा देवता है अपन को बताए तो रहे हैं अपने देवतन के नाम बता दो हमरा बता दो हमर तो देवता का नाम का पता हम ना जान हम देवता का पार्वती है कि का पार्वती हां बस खा दो बता दो अपना जो बताइए नहीं है हम ना जानत का हमर तो लोग करत पूजा हमारे देवतक नाम है पार्वती है एक का नहर सिंह है राम राम। तुम्हारा नाम का है? मेरा नाम रुकमणी राणा। रुकमणी राणा अनि जगगांव का नाम? जगगांव का नाम है लग्गा भग्गा। लग्गा भग्गा वार्ड नंबर 19। वार्ड नंबर 19 पहले तुम कहाँ से आए? भुया घाट से। भुया घाट से हाँ जी। तुम्हारा नाम का? मेरा नाम गुलाबा। गुलाबा राणा। राणा तुम्हारा गाँव? जो है लग्गा भग्गा खाया। पहले कहाँ से आए? भुया घाट से। तुम भुया घाट से? तुम्हारा नाम नारा देश में प्रत्येक 10 वर्ष में देश अपन जनगणना करत है, वो जनगणना के दौरान में नेपाल में फिर ना पर्व 2078 बैसाख 25 गते से आषाढ़ 8 गते तक के भीतर बीच में जनगणना करन तहनी हमर गांव घर में गढ़क लोग आमंगे बे गड़क लोग हैं रे गड़क लोग हमसे पूछेंगे तो जनगणना के बारे में तभी मारे मतलब तुमसे अगर पूछेंगे कि तुम मतलब जा जा यानी कि जात के बारे में आपसे पूछे हैं तो तुम काका बताए हो करके बुक बारे में जैसे कि तुमसे पूछे हैं कि तुम कौन छो जात के हो तो तुम का बताए हो? राणा थारू। राणा थारू जात तुम का बताए? राणा थारू। तुम? राणा थारू। राणा थारू बताए हो भैया? जात राणा थारू। जैसे जैसे कि अपन अब फिर सूचीकृत भाई हन था जैसे पहले अपन कौन सी जात में रहे तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? राणा। राणा रामाई के लोग बात रहा। तुम?
अपन पहले रहना रहे रहना करके जानत रहे अपन अब है अपन सूचीकृत हुई राना थारू फिर है पहले है ने जैसे कि भी पूछे अपन से कि मतलब तुम कौन सो भाषा में सकता था तुम कौन से बताए राना थारू राना थारू भाषा तुम राना थारू ये भाषा राना थारू बताए हो ने भाषा राना थारू धर्म कौन सा बताए हो क्या तुम्हारा धर्म कौन धर्म माना था तो तुम क्या बता दे राना थारू भैया ना धर्म हिंदू हिंदू धर्म है हाँ मैं तो हिंदू धर्म मेरे तो जीवन लौटा था हिंदू धर्म तुम्हार हिंदू धर्म बताया हो नहीं ले जा महत्वपूर्ण जानकारी था नहीं अभय जा महत्वपूर्ण जानकारी जानकारी था तुम्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद देता और अब तक नहीं अपन छोड़ा था ले राम 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 तुम्हारा नाम बिल्ला मनीषा राणा बिलौरी तीर खिरिया करके तुमके राना थारू हमार जात कहके सूचीकृत हुई गो है कहके कितका जानकारी है तुमके ऐसी करके तुम अभय सम्मा जैसे कि तुम राना हो कहके तुम अपने जैसे कि तुमके पता है हम राना है तुम यह था आज सम्मा पहले से कौन सो धर्म कौन सो जात के मने हो कह के कोई मने तुमसे पूछताछ करेंगे कैसे तुम का बताए हो हम राना थारू हैं हम हिंदू धर्म मानते हैं हर प्रकार से हिंदू धर्म मानते हैं हम पहले तो हमारे राना थारू की पहले पहचान ना रहे हमें से स्वीकृत भाव है राना थारू की कि हम राना थारू हैं तुम्हें राना सर डॉट कॉम में तुम्हें स्वागत है राम 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 नाम पृथ्वी राणा गाँव पुरैना हाँ कालीघाट हाँ वैसे तो मिलो रहा है कौन सी जात सूचीकृत भाव है अपन के ऐसे राने में भाव है राज्य प्रत्येक वर्ष में जनगणना करता है फिर अपन को जनगणना 2078 में होने जा रहा है ये जेठ महीना है तो इसमें गणक लोग अपन के घर घर आमंगे ये अपन भरकर सूचीकृत भाई हैं तभी मारे भी अपन से पूछेंगे अपन का कहाँ मंगे अब अपन को जैसे मतलब पहले तो राना रहे है अब राना में अब का राना चौधरी भाई और का अब जैसे राना अपने के पहले ठाकुर रहे है अब ठाकुर तो का कहे हैं अब राना करके है भाषा का अपन थारू थारू भाषा जहद बिगड़ी हुआ है अब अपन धर्म तो पहले पुराना धर्म है हमारो तो अब अपन को जा घर को धर्म का कहा था जिसमें तो भूल ही जाता हूँ अब अपन का अपन का धर्म कहाता है जिसमें अपन को अब मुसलमान ना हिंदू हाँ हिंदू हिंदू हाँ मेरा नाम भागा राणा भागा राणा तुम्हारा नाम मेरा नाम इंद्रिया राणा इंद्रिया राणा गांव कहाँ पर है हमरो मई को ना जय गांव पुरैना गांव नगर पालिका एक है पुनर्वास नगर पालिका ये पुनर्वास नगर पालिका वार्ड नंबर एक पुरैना गांव मई को कहाँ रहते नहीं को तो बड़ा डाणो मेरे गुलरिया गुलरिया आपन की जात है राना थारू तो आप राना थारू जात में सूचीकृत ठीक है और तभी मारे अभय अपन कर सूचीकृत रहे हैं खुशी बात का है कि जेहे साल अपन सूचीकृत भय और जेहे साल अपन को कहे कि जनगणना हो जाए रहो है अपन को जनगणना हो जाए रहो है सब देश में तभी मारे वो जनगणना में गणक लोग अपने घर घर आमंगे फार्म लेके हैं सब वे अपन से पूछेंगे कि तुम्हारे जात का है तुम का बताए अपन जात राना थारू राना बताए राना बताए तुम का बताए राना राना बताए अने तुम्हार कौन सी भाषा मस्कत होकर के कहता तुम का बताए राना भाषा मस्कत हो तो वह बताए तुम का बताए राना भाषा तो अपन को अब तुम तो पुराने पुरखे हो यानी वो हिसाब से अपन को धर्म का है कौन से धर्म है
धर्म कहे तू तो कौन सा धर्म मान तो का बते हिंदू हिंदू धर्म तुम का बते तुम हम तो हिंदू धर्म हिंदू धर्म राम 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 अपन नाम और गांव बताइए। मेरा नाम बहाली राणा है और गांव का नाम रहिया राणा टोल। हाँ ओडा नंबर 2 पुनपा। सर अपन को अपन विषय वस्तु में जात हैं तुम मतलब पद में भलमन शाह। हाँ भलमन शाह हूँ राणा गाँव है। हाँ भलमन शाह अपन अपन को राणा थारू जात भरकर अपन को एक बार सबको सूचीकृत भाव है। हाँ तो सूचीकृत भाव करके तुम्हें पता पाए पता भाइये पहले अपन कौन सी जात में रहे। पहले तो कोई जाते ना रहे अपन कोई जाते ना रहे। हाँ अब फिर कौन सी जात में अपन सूचीकृत भाए। अब अपन राणा थारू राणा थारू में सूचीकृत भी गए हैं। अनि अपन को अपन जा प्रत्येक 10 वर्ष में राज्य जनगणना लेता है जनगणना करता है। हाँ हाँ और अब फिर को जनगणना 2078 में होने भैया है ठीक अपन को 2078 को जनगणना कहानी गड़क के भरना कर रहो से ऑनलाइन हम ले रहो है और अभी अब गड़क अपने घर घर आमंगे भी अपन से पूछेंगे कि तुम्हारा जात कौन सी जात है तो तुम क्या बताए दे। अब राणा थारू बतान पड़ेगा राणा थारू अने अपन के भाषा कौन सा बताए भाषा अपन को थारू है भाषा राणा थारू भाषा थारू भाषा की राणा थारू भाषा राणा थारू भाषा राणा थारू भाषा धर्म कौन सा बताए हो तो अब धर्म हिंदू हिंदू धर्म है जे हिंदू धर्म के बारे में बताए हो। हाँ। जामे एक और पक्ष अपन का कहना कि अपन तो अब हिंदू धर्म कहाँ से मूर्ति वूर्ति पूजत हैं अपन तो सुहरी अपन पूजक हैं करी कहा हैं जैसे अपन को अगियारी देते हैं नगराही देते हैं खेरो पूजत हैं। हाँ। तो जो हिंदू कैसे हुई बताओ अब जम का कहा तुम्हारा जैसे हिंदू तो अगियारी पूजा करते हैं और तर जे ईसाई ईसाई धर्म बारे आजा पूजा ना लेते हैं अपन हिंदू फिर तो अपन यानी कि राणा थारू अपन खेरो पूजत हैं। हाँ। खेरो तो अपन यानी कि घर से बाहर पूजत हैं अपन बाहर है पूजत हैं जैसे अपन का कहते हैं अपन को चराई में भव होरी में भव सब अपन बाहर पूजत हैं बाहर है पूजत हैं तो वो कि हिंदू हिंदू कैसे करके हिंदू है करके कैसे करके आप तुम जा अब वो तो हिंदू के विवाह में लग्न में ना वो तो ऐसे आओ है कि परंपरा से चले आओ रीति से हम प्रकृति जनगणना संबंधी यानी कि बातचीत कर रहे हैं जब वीडियो तो बहुत ही बढ़िया से देख रहे हो देख के साथ दे हो जगता है तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है और थप नया वीडियो देखन तहनी हमर जा राणा थारू .com को यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करन जिन भूलियो इतके कहते मैं प्रस्तोता नंदल राणा के संगे हमर कैमरामैन सुनील राणा अब तहनी विदा होते हैं लियो राम राम।